press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और खास बात यह है कि वो आजकल भारत में है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सर साहब जो है वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। होनी भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है, और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इज माई सेकंड होम। इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरी इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है यहाँ, मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम दर हकीकत, जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं, हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली अगर देखा जाए तो। आप देखें जरा कभी आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली दरिया सिंध जो है उसका, उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चनकिया सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखें, और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे लंच, तो कुछ दोस्त आए थे, तो वहां पे मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया, तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है, तो ही वॉज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूं, और वो जो मुझे वो जो सैगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सैगल है, तो वो जो मिले मुझे, तो मेरे मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है अब नफरतों का, मेरे मैं जो मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए दो दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया नया बना था, लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं, तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है, उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं उसके बाद मुसलसल, और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं, बल्कि मैं बस शॉक, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि देर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे, बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया, उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400 जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के, वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे, मोदी साहब की हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर, मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। और दूसरा इस वक्त जो है चल रहा है नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें, ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, देखा जाए तो
आजरबाईजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं, काकर साहब जो है वो सेनेट के चेयरमैन बन रहे हैं, तो खबरें तो बहुत है। लेकिन दुख अफसोस ये होता है जब मैं यहां से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूं कि दुनिया की डायरेक्शन कहां से कहां जा रही है, और हमारे लिए एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था एक चट्ठा साहब, मैं माजरत के साथ ही, ये नहीं कि उनकी मैं कोई करेक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है, एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है। और उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया, हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज, वो तो स्टेट को पैसे देते हैं, स्टेट से वापस लेते हैं, आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले। खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि मेरे तो ख्याल में अगर जाती तौर पर पूछे, मैं दो तीन जो बातें पिछले दिनों सामने आई हैं, दो बातें बल्कि हमारे अफजल चंद साहब के हवाले से जो पॉलिटिशियन है उनके हवाले से दो खबरें हैं, बल्कि एक तो उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं जाके इमरान खान साहब के पांव पड़ जाऊं जाके जेल में के पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो दूसरा जब चंद साहब की बात हो रही है तो फिर उन्होंने अगले दिन एक नया इल्जाम लगाया कि 5 करोड़ रुपया मांगा गया उनसे इलेक्शन जीतने के लिए, ये भी खबर है उसमें। आज जो मैं एक और मैं उनका बहुत फैन हूँ, शब्बर जैदी साहब का, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ब्लड स्पोकन स्पीकर, वेरी सिंसियर पाकिस्तानी, उनकी एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो ऐसे कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को चाहिए अडियाला जेल जाके खास साहब को साथ लेकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाए, उन्होंने कहा। लेकिन मैच्योरिटी जी आर आपका वो आप रुक गया था सिलसिला, नहीं सर मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने आपको सॉरी आप कहिए आपके बात सॉरी मैं कर लूंगी इसको। लेकिन उसमें आरजू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से वो क्यों लिया जा रहा है, वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौम को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका इसको इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता। ये मैंने कई दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ये काजी फैज ईसा साहब का, ये हमारे आसिम मुनीर साहब का, जो रियल स्टेक होल्डर है उनको उनका ये फर्ज बनता है कौम को बताएं कि $6 बिलियन IMF से लिया जाएगा, इसके पाई पाई का हिसाब ये होगा। फिर मेरे जैसे लोग जो फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लंदन की रियल स्टेट महंगी होनी शुरू हो जाएगी, टोरंटो भागना शुरू हो जाएंगे आपके अफसरान, ये उन सब चीजों को तकवीयत मिलती है। $6 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। सर काकड़ साहब से पीछा नहीं छुटेगा हमारा, इसका मतलब है काकड़ साहब फिर रहेंगे। हाँ जी काकड़ साहब आ रहे, काकड़ साहब को लाने वाले स्ट्रॉन्ग है, काकड़ साहब का कोई कसूर नहीं, काकड़ साहब तो एक एवरेज है, मेरे जैसे एक आम से आदमी है, उनको लाने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से वो पीएस पार्टी में अब जा रहे हैं और फिर वो सेनेट में जाएंगे। ये सारा लाने वाले, देखिए ना मैंने आपको बताया था कि काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कोई नहीं जानता था। मैं उनको उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा काकड़ साहब बेचारे कौन है, मेरे जैसे एक शरीफ आदमी है, लेकिन उनकी लॉटरी निकल आई है, घड़े में से नाम निकल आया उनका और दूसरी दफा फिर निकल रहा है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में तो परफॉर्मेंस तो मैं क्या एवेल्युएट करूं कौन सा उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सेव कर दिया है, लेकिन उन्होंने जहाज का बड़ा गलत इस्तेमाल किया है, सारी दुनिया के दौरे जो किए अननेसेसरीली, जो कि उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था, उनका पोर्टफोलियो सिर्फ इलेक्शन करवाना था, उससे आगे नहीं था, तो उन्होंने जो उन्होंने ये इब्ने बतूता बने हैं वो ज्यादती की है। गरीब मुल्क जो कि जिसके पास सुबह का खा लें तो शाम का नहीं होता, उनके उनके प्राइवेट जहाजों को लेकर, फैमिली को लेकर, ये जो हनीमून टाइप के उन्होंने जो दौरे लगाए किए वो सूट नहीं कर रहे थे। लेकिन देखें सर ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट कितने दिन चलने वाली है, ये जो मिलके मुश्किल है। मैं आरजू बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डिफरेंट जगह पे जब भी लोगों को पता चलता है कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन या ज्यादातर लोग जानते हैं, आप सोच नहीं सकते, हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है, हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है कि यार पाकिस्तान की क्या हालत है, आप क्या कर रहे हैं। बस मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उनको देने के लिए, लेकिन आपकी
रिप्यूट कुछ ये चट्ठा साहब इस तरह के लोगों ने, अब मैं एक और बात बता देता हूँ आरसू कि उनका कुछ भी नहीं होगा, चट्ठा साहब को कुछ भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। वरना अगर सोचा जाए मेरे ख्याल में तो जिस तरीके से उन्होंने आपकी पूरी गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को झंझोड़ के रख दिया है, उनके लिए उनके 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 खिलाफ सख्त केस चलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और दूसरे अफसरान के लिए इबरत का निशान बनना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने सारे पाकिस्तान की तजलील की है, आज भी इंटरनेशनल मीडिया आपके पूरे एज ए स्टेट आपका मजाक आप खुद समझ रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, आप उसको बस एक रंग के नीचे उसको पुश कर देंगे तो जस्ट कीप ऑन गोइंग। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर अदालतें इंसाफ ना दे रही हो, जहां इंसाफ ना हो, ना सजा हो ना जजा हो, वहां कौमें तरक्की नहीं कर पाती। यही वजह है कि आप मुसलसल पस्तियों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल देंगे, वो उन्होंने देना है, उसकी वजह ये है कि उनको जो चाहिए वो आप देते हैं, वो जो आपको चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन ये कि उनको भी चाहिए कि इस वक्त तो खैर उनका उनका तो दे डोंट हैव एनी इसमें कि वो ये पैसा कहाँ जाता है, लंदन जाता है, टोरंटो जाता है, उनके लिए तो फायदा है, उन्हीं के कंट्रीज में रहेगा पैसा, वहीं से जहां से आता है वहीं चला जाता है। लेकिन ये कि ये तो फिर आपको बहसीते कौम देखना होगा कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर्जों की किस्तें देने के लिए भी फिर कर्ज लेते हैं और फिर उस पर जश्न मनाते हैं, कहते हैं देखिए हमने क्या बहादुरी की है। अफसोस के साथ है कि इस वक्त आपकी लीडरशिप को, आप वहां पे लीडरशिप को तो मैं इसको नहीं कहूंगा, हर चीज का फुकतान है आपका, आप नेशनलिज्म का सबसे ज्यादा इस वक्त आपको जरूरत है बैडली। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इनके व्यूज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, जहां पे दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और आपने देखा कैसे साजिद तारा साहब ने भारत को अपना दूसरा घर बता दिया और खुद साजिद तारा साहब ने यह भी कह दिया कि अब की बार मोदी सरकार। बाकी आप लोगों ने इन दोनों की एक्साइटमेंट देखी, जहां पे तारा साहब ने पाकिस्तान के बारे में भी बात की और ये कहा कि भारत में जो लोग उनको मिलने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत देख के उनको भी अफसोस होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि साजिद तारा साहब को कैसा फील हुआ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।